आप देख रहे हैं प्राइम टीवी, सच साहस सरोकार। नमस्कार, उत्तर प्रदेश की खबरों में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ अनुष्का सिंह। और चलिए अब रुक कर लेते हैं उत्तर प्रदेश की तमाम बड़ी खबरों की तरफ। आगरा के एक होटल में चल रहे दो दिवसीय कोल्ड चेन सेमिनार में डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य शामिल हुए। इस सेमिनार में 15 राज्यों के 700 से ज्यादा शीत गृह स्वामियों ने भाग लिया। फतेहाबाद रोड पर स्थित होटल क्लार्क शिराज में चल रहे दो दिवसीय कोल्ड चेन सेमिनार में उन्होंने भाग लिया। इस दौरान डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य ने कहा कि भारत सभी क्षेत्रों में नंबर वन का स्थान प्राप्त कर सकता है। इस विश्वास के साथ हमारी सरकार हर वो काम कर रही है जिससे देश आगे बढ़े। सीएम साहब, कल इतनी बड़ी जीत मिली है, क्या बोलेंगे? सबसे पहले तो प्रदेश की जनता का और जनता के द्वारा चुने गए जनप्रतिनिधियों का हृदय से अभिनंदन करता हूं कि उन्होंने भारतीय जनता पार्टी पर भरोसा किया, भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशियों का समर्थन किया और भारतीय जनता पार्टी उत्तर प्रदेश में के इतिहास में सबसे बड़ी विजय प्राप्त किया। विजयी सभी हमारे जो उच्च सदन के सदस्य निर्वाचित घोषित हो गए हैं उनको सबको हृदय से बधाई दे रही। केशव जी, आज आपने एक ट्वीट भी किया था जिसमें आपने लिखा था कि सपा अब सफा। मैं कोई गलत किया नहीं हूँ। अगर आप इस चुनाव को अगर आप देख रहे हैं विधान परिषद के, तो सपा हो गई। मैं चुनाव के समय भी कह रहा था सपा समाजवादी पार्टी हो रही है, वो तो लगभग हो ही गई थी। जो भी परिस्थितियाँ जैसी भी बनी, वो जरूर विधानसभा में 2017 की तुलना में कुछ अधिक सदस्य जीत। अगली खबर गाजीपुर से है, जहां एमएलसी चुनाव में बीजेपी का परचम लहराने के बाद बीजेपी प्रत्याशी एमएलसी विशाल सिंह चंचल के दूसरी बार जीत हासिल करने के बाद बीजेपी नेताओं और कार्यकर्ताओं में जबरदस्त उत्साह देखने को मिला। और चुनाव जीतने के बाद विशाल सिंह चंचल का बीजेपी कार्यालय पर जोरदार स्वागत किया गया। इस दौरान बीजेपी जिलाध्यक्ष ने कहा कि किन्हीं परिस्थितियों में बीजेपी गाजीपुर विधानसभा चुनाव में सफलता प्राप्त नहीं कर पाई और सपा ने गाजीपुर की 7 विधानसभा सीटों में जीत को दर्ज किया था, जिसके बाद सपा एमएलसी चुनाव लेकर लगातार कमेंट कर रही थी कि गाजीपुर को बीजेपी मुक्त करने का भी वो दावा पेश कर रही थी। बता दें कि बीजेपी से एमएलसी प्रत्याशी विशाल सिंह चंचल 2422 मत पाकर सपा समर्थित निर्दलीय प्रत्याशी मदन यादव को उन्होंने पराजित किया। अगली खबर गाजियाबाद से है, जहां लगातार कोरोना वायरस का कहर बढ़ता जा रहा है। हैरानी की बात यह है कि इस बार स्कूली छात्र छात्राओं ने कोरोना के लक्षण उनमें सबसे ज्यादा देखे जा रहे हैं। बता दें कि बीते दो दिनों के भीतर गाजियाबाद में 3 अलग अलग स्कूलों में 9 छात्र छात्राओं में कोरोना वायरस के लक्षण पाए गए। हालांकि गाजियाबाद मुख्य चिकित्सा अधिकारी ने यह भी कहा कि स्कूलों के अंदर 12 से 14 और 15 से 17 साल के बच्चों को वैक्सीनेशन और तेजी के साथ किया जा रहा है। आपके स्कूल को बंद करने का नोटिस दिया गया, आपने पेरेंट्स को सूचना दी, क्या वजह है, क्यों बंद किया स्कूल? सर, सैटरडे को हमारे स्कूल में साइटेशन सेरेमनी थी 12वीं के बच्चों की और एक ग्रुप ऑफ बच्चों का सॉन्ग था, सिंगिंग वेलकम सॉन्ग था। उसमें से एक बच्चे के पेरेंट्स ने, आई थिंक हमें थैंक यू बोलना चाहिए, पेरेंट्स बहुत अवेयर हैं, उनका मैसेज आया, उनका आया कि बच्चे को कोविड है। तो आई थिंक एज अ स्कूल हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है, यू नो, और जो भी गवर्नमेंट का भी आदेश है, और आई थिंक एक ये फैलता बहुत जल्दी है, तो हमने इसीलिए रात को मिडनाइट इमीडिएट डिसीजन लिया कि स्कूल पूरा बंद करेंगे, क्योंकि 4 दिन छुट्टी है तो उस 4 दिन में हमारे पास काफ़ी समय होगा कि हम पूरा कम्प्लीटली सैनिटाइज कर दें और हमें क्या कंडीशन है गाजियाबाद में वो भी पता चल जाएगी। सर, टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स की बात करें तो गाजियाबाद में कितने कोरोना के पेशेंट अब तक मिले हैं? मतलब अभी तक हमारे पास में 9 बच्चों की सूचना है और बाकी स्कूलों में और उनके कांटेक्ट पे घर पे टेस्टिंग और सुविधा चल रही है और कांटेक्ट टेस्टिंग भी कराई जा रही है। तो स्कूलों ने कहा है कि बच्चों को भी ऑफलाइन क्लासेस के लिए, तो क्या स्कूलों में टेस्टिंग और सैनिटाइजेशन कराया जाएगा? हाँ बिल्कुल, सब उनके सारे बच्चे को टेस्ट कराएंगे, उनके कॉन्टैक्ट जितने भी वो टेस्ट होंगे और सैनिटाइजर्स के निर्देश दिए जाएंगे। वही कन्नौज में बाबा का बुलडोजर चला है और ग्राम समाज की जमीन पर बनी मार्केट को ध्वस्त कर दिया गया। बता दें कि सपा नेता और पूर्व ब्लॉक प्रमुख रजनीकांत यादव ने मार्केट को बनवाया था। कार्यवाही के दौरान फोर्स लेकर पहुंचे कोतवाल ने अवैध निर्माण को गिरवाया। अवैध निर्माण पर एक्शन लेने के बाद नायब तहसीलदार ने जानकारी देते हुए बताया कि अवैध कब्जे को चिन्हित किया जा रहा है।
ग्राम तिलपई टिकसरा में सरकारी जमीन है जिस पे रजनीकांत यादव द्वारा अवैध रूप से कब्जा करके निर्माण किया गया था, जिसको माननीय उपजिलाधिकारी महोदय के आदेश अनुसार हम लोग यहाँ पे इसको कब्जा मुक्त कराने आए हैं, उसी के तहत कार्रवाई की जा रही है। कितनी दुकानें हैं यहाँ पे? लगभग 8 दुकानें थी और लगभग 15 डिसमिल में ये बना हुआ है। तो क्योंकि अवैध कब्जा था सरकारी भूमि में, तो नियमानुसार उसी अनुसार की कार्रवाई की। लगभग कितनी कीमत की होगी मार्केट इसकी? अगर हम दुकानों पर कीमत देखें तो लगभग 20 लाख के ऊपर है इसकी कीमत। वही संभल में जिस समय चौधरी सराय में अतिक्रमण हटाओ अभियान चल रहा था, उसी समय कब्रिस्तान की भूमि पर अवैध कब्जा करके बनाई गई दुकानों पर कार्रवाई के लिए लोग मांग कर रहे थे। वकील का आरोप है कि उनका कब्रिस्तान बरेली दरवाजा में है, जहां भू माफिया ने अवैध कब्जा करके दुकानों का निर्माण कर लिया है, जिसकी कई बार शिकायत करने के बावजूद भी अवैध कब्जे को हटाया नहीं गया है। वहीं दूसरी ओर योगी सरकार अवैध कब्जा करने वाले भू माफियाओं के अवैध निर्माण पर बुलडोजर चलवा रही है, लेकिन इस भू माफिया पर कोई भी कार्रवाई नहीं हुई। ये हमारा कब्रिस्तान है, मौजा बदायूं दरवाज़ा, निकट पुलिस चौकी चौसाई में स्थित है, जिसमें भू माफिया सुलेमान सुमान पप्पी जावेद ने कई साल से इस पर अवैध कब्जा कर रखा है और अतिक्रमण कर रखा है। हमारे पूर्वज भी कच्ची पक्की कब्रों को तोड़ रहा है, हमारी धार्मिक भावनाओं को ठेस रहा है, जिसके संबंध में मैंने सुलेमान के खिलाफ एक एप्लीकेशन 28/11/2019 को SDM साहब को दी थी, फिर एप्लीकेशन 1/7/9/2020 को DM साहब को दी एप्लीकेशन, फिर एक एप्लीकेशन ADM साहब को दी, फिर कमिश्नर साहब को दी, फिर माननीय मुख्यमंत्री के पोर्टल पर दी और सारी मेरी प्रार्थना पत्रों की जांच तेजी स्तर से कराई गई। SDM साहब ने कहा है आप मुझसे आन के मिलिए, अपने कागज़ दिखाइए, और दूसरे पक्ष को बुलाया, उसे बुलाया है और ये कहा अगर इसका अवैध कब्जा कब्रिस्तान की अराजी पर है तो ये हटाया जाएगा इस पर। अगली खबर महाराजगंज से है, जहां पर प्राइमरी विद्यालयों में पढ़ने वाले बच्चों को मिलने वाले मध्याह्न भोजन में गड़बड़ी मिली है। बता दें कि बच्चों के मेन्यू के अनुसार भोजन फल और दूध उन्हें नहीं दिया जा रहा है। बेसिक शिक्षा विभाग और पंचायती राज विभाग के समन्वय से विद्यालयों का 14 बिंदुओं पर सुंदरीकरण कराया जा रहा था, पर लापरवाही के कारण कहीं टाइल्स, कहीं बाउंड्री तो कहीं शौचालय नहीं बने, लेकिन इसके बाद भी विभाग के अधिकारियों के कानों पर जूं तक नहीं रेंगे हैं। वजह चाहे जो भी हो, नतीजे बच्चों को ही इस वक्त झेलने पड़ रहे हैं। क्या क्या मिलता है स्कूल में खाने के लिए? आज क्या क्या मिला है आप लोग को? सब्जी रोटी और सब्जी दाल नहीं मिला है? सब्जी किस चीज का था? सोयाबीन आलू था। मौसम्बी का फल नहीं मिला है? अगली खबर आगरा से है, जहां पर एक छात्रा के अपहरण की खबर से हड़कंप मच गया। बताया जा रहा है कि थाना सदर के राजपुर चुंगी के डॉक्टर BS रॉय स्कूल में पढ़ने वाली छात्रा को दो युवक बाइक पर उठाकर ले गए। जब सुबह स्कूल छोड़ने गए, छात्रा के ताऊ ने उसे लड़कों के साथ जाता हुआ देखा तो उसका पीछा किया और लड़की को उनके चंगुल से बचाने की कोशिश की, लेकिन इसी खींचतान में लड़की के ताऊ भी घायल हो गए हैं। वहीं स्थानीय लोगों ने पूरे मामले की जानकारी तत्काल पुलिस को दी। बता दें कि पुलिस पूरे मामले की जांच पड़ताल में लगी हुई है और जल्द ही घटना का खुलासा किया जाएगा। मेरा नाम दीपक है। क्या हुआ था? चाचा जी सुबह स्कूल छोड़ने आए थे बच्ची को। अच्छा। बहन थी मेरी। अच्छा। वो गेट पे छोड़ के गए हैं बच्ची को। अच्छा। वहाँ से दो लड़कों ने अगवा करके वहाँ से वो लेके चले गए। लड़के बाइक पे बताए जा रहे हैं। धक्का नहीं, वो चाचा जी हमारे उसके पीछे भागे फिर। अच्छा। तो चाचा जी वहाँ पर जाकर उनकी गाड़ी फिसल गई और वो चाचा जी को चोट आ गई। अच्छा। और वो निकल गए। ये जैसा कि जो लड़की के ताऊ जी हैं उनके उनके द्वारा बताया गया कि ये सुबह उसे स्कूल छोड़ने गए थे, स्कूल छोड़ के अपनी दुकान पर जो कारपेंटर की दुकान है उस पर ये वापस आ गए थे और फिर एक काम के सिलसिले में अपना जो इनका साथी था उसके साथ शहर में जा रहे थे, तो इन्होंने देखा कि इनकी जो भतीजी थी इसे स्कूल छोड़ आए थे वो दो नवयुवक आगे बैठे हुए थे और वो सबसे पीछे मोटरसाइकिल पर बैठी हुई थी और वो जा रही थी। इन्होंने उसका पीछा किया और मोटरसाइकिल को पीछे से पकड़ने का जो उसका कैरियर है उसे पकड़ने का प्रयास किया, उस प्रयास में मोटरसाइकिल तो निकल गई लेकिन ये नीचे गिर गए जिससे इनके चोट आई है। वही
वहीं जनपद एटा के विकास खंड सकीट क्षेत्र के अंतर्गत गांव छछैना में स्थित प्राथमिक विद्यालय में बच्चों का विद्यारंभ संस्कार कराया गया है। विद्यालय परिसर में नव निर्मित मंदिर में विद्या की देवी मां सरस्वती की विधिवत पूजा अर्चना की गई। इसके बाद जिन बच्चों का विद्यालय में पहला दिन था उनका विद्यारंभ संस्कार कराया गया। इस दौरान खंड शिक्षा अधिकारी नीरजा चतुर्वेदी ने मां सरस्वती देवी के मंदिर में एक पीतल का घंटा भी दान किया। अगली खबर फरुखाबाद से है, जहां पर दबंगों ने घर में सो रही महिला की गमछे से गला घोटकर हत्या कर दी। बता दें कि हत्या में किसी करीबी के शामिल होने की आशंका जताई जा रही है। घटना के बाद परिजनों ने पुलिस को मामले की सूचना दी, जिसके बाद मौके पर पहुंची पुलिस ने मृतका के शव को कब्जे में ले लिया है और पंचनामा भरकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। बता दें कि यह पूरा मामला शहर के कोतवाली क्षेत्र के गाँव नगला कलार का बताया जा रहा है। वही ये लोग इनके हस्बैंड भागवत देखने गए थे, इसी बीच किसी ने जो है गमछे से गर्दन करके इससे मृत्यु हो गई और उनके जो है ये रात के पैसे 2000 रुपये झोले में थे वो निकाल लिए। अच्छा, तो चोरी, ऐसा लगा चोरी करने के लिए पहचान लिया हुआ इसीलिए। अच्छा, लगभग कितने बजे घटना होगी? 9:30 के आसपास को। जनपद गाजीपुर के गहमर गांव में उस वक्त हड़कंप मच गया जब एक तालाब से हैंड ग्रेनेड बरामद हुआ। दरअसल गांव के कुछ युवक मछली मारने के लिए कांटा लगाए हुए थे, वहीं उन्होंने कांटे को जब बाहर निकाला तो मछली की जगह हैंड ग्रेनेड कांटे में फंसा हुआ था। इसके बाद स्थानियों ने तत्काल हैंड ग्रेनेड को गहमर पुलिस को सौंप दिया है। इस मामले पर पुलिस अधीक्षक राम बदन सिंह ने बताया कि मामले की जानकारी उन्हें मिली है। ऐसे में ये जो हैंड ग्रेनेड है वो जंग लगा हुआ बताया जा रहा है, संभवत ये डमी हो सकता है जिसकी जांच की जा रही है। देखिए, ये जो गहमर में हैंड ग्रेनेड मिलने की आप बात कर रहे हैं, उस समय मैंने इंस्पेक्टर से बात किया है, ये बहुत पुराना, इसमें जंग लग गई है। इसमें एक लड़का मछली पकड़ रहा था तालाब में, तो वहीं तालाब से ये मिला हुआ है, तो उसको ला करके थाने में दे दिया गया है। हमने थाने में जमीन के अंदर उसे ढक दिया है और अब हम बम स्क्वाडल डिस्पैच को उसकी सूचना दे रहे हैं, पर देखने में ही लग रहा है कि ये बहुत पुराना है और ये बिल्कुल डमी है। सर, क्या लगता है कैसे वहाँ पहुँचा होगा? अगर डमी भी है तो कैसे पहुँचा कुछ सर? अब देखिए, अभी तो हमारी इन्वेस्टिगेशन जारी है, लेकिन मेरा अनुमान है कि गहमर में बहुत सारे लोग मिलिट्री में हैं, तो ये अपना लाए होंगे किसी दिखाने के लिए, है वो डमी ही। रायबरेली में 2 दिन पूर्व गदागंज थाना क्षेत्र के कंसराज मजरे धोता गांव में हुए अधेड़ की हत्या मामले का पुलिस ने खुलासा कर दिया है। आपको बता दें कि एसपी अशोक कुमार ने मामले का खुलासा करते हुए बताया कि ट्यूबवेल का पानी ना देने से नाराज आरोपी ने कुल्हाड़ी से अधेड़ की हत्या कर दी थी। अपने खेत में जानवर इत्यादि ना आए तो उन्हें हाँकता था और अमरेश को ऐसा लगता था कि वो जानवर मेरे खेत में छोड़ दे रहा है, जिससे कि मेरी फसल खराब हो जा रही है। साथ ही साथ अमरेश की शिकायत ब्रिजलाल ने सिंचाई विभाग में की थी कि ये नहर का पानी अपने खेत में छुड़वा ले रहा है और उसका पैसा नहीं दे रहा है। इन सब चीज़ों के चलते अमरेश को यह लगता था कि ब्रिजलाल यह चाहता है कि यह अपना खेत यहाँ से बेच के चला जाए और वो खेत अपने पास रख ले। वहीं रायबरेली में आजादी के अमृत महोत्सव कार्यक्रम के अंतर्गत आईटीआई स्थित एनसीसी चार्टर्ड बटालियन में शहीदों के परिजनों को सम्मानित किया गया। देश की रक्षा करते हुए शहीद हुए जवानों के परिजनों को स्मृति चिन्ह और सर्टिफिकेट देकर उनका हौसला बढ़ाया गया। बटालियन के कमान अधिकारी कर्नल शहाब अनवर ने सभी परिजनों को सम्मानित किया। इसके बाद ही शहीदों के परिजनों को आगामी 14 अप्रैल को समाधान दिवस के लिए भी आमंत्रित किया गया। मैं कर्नल शहाब अनवर, कमांडिंग ऑफिसर 66 UPNCC बटालियन रायबरेली। आज क्या कार्यक्रम हो रहा है यहाँ पे? आज ये कार्यक्रम आज़ादी का अमृत महोत्सव के संबंधित अमर शहीदों को शत शत नमन नामक कार्यक्रम का आयोजन किया गया है, जिसमें भारत सरकार की ओर से देश की आज़ादी के बाद जो भी हमारे जवान वीरगति को प्राप्त हुए हैं दुश्मन का मुकाबला करते हुए, उनको एक मेमेंटो दिया जा रहा है जो उनके लिए पर्सनलाइज्ड है और वो भारत सरकार के तरफ से हमारे पास आया है। प्रधानमंत्री जी के इनिशिएटिव से इन सभी लोगों को याद करते हुए ये दिखाने का प्रयास है कि आर्मी, आर्म फोर्सेस और देश उनकी शहादत को भूला नहीं है, उनको कभी नहीं भूलेगा और वो हमेशा हमारी यादों में रहेंगे। हम इन सभी शहीदों को नमन करते हैं, हम आज सुरक्षित हैं, ये इन सारे महानुभावों का ही योगदान है जिसकी वजह से आज हमारा देश सुरक्षित है
और देश उनको भूला नहीं है, हमेशा याद रखेगा। गोरखपुर रजिस्ट्री दफ्तर और आरटीओ पर भ्रष्टाचार के मामले में शिकंजा कसता जा रहा है। जिलाधिकारी की ओर से कराए गए स्टिंग के मामले में एक्शन लेते हुए 12 लोगों पर केस दर्ज कर लिया गया है। बता दें कि सीओ कैंट के नेतृत्व में फॉरेंसिक टीम के साथ भारी पुलिस फोर्स रजिस्ट्री कार्यालय पहुंची। रजिस्ट्री कार्यालय में करीब 1.5 घंटे छापेमारी की गई। कार्यवाही के दौरान दस्तावेज खंगाले गए। इस मामले पर डीएम पूरी सख्ती दिखा रहे हैं। डीएम का आदेश है कि दोषियों ने सरेंडर नहीं किया तो मकान की कुर्की भी होगी। दोषी पाए गए 12 लोगों में 2 लोगों की गिरफ्तारी पहले ही हो चुकी है। साथ ही यह भी कहा जा रहा है कि छापेमारी की कार्यवाही में मिले दस्तावेजों में जल्द ही खुलासा किया जाएगा। वहीं लखनऊ में राष्ट्रीय दलित पंचायत प्रतिनिधि महासंघ की प्रेस वार्ता हुई है। आपको बता दें कि इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में पूर्व सांसद और राष्ट्रीय अध्यक्ष जुगल किशोर ने बयान दिया। उन्होंने कहा कि उत्तर प्रदेश के अंदर जिस तरीके से बहुजन समाज पार्टी का अंत हुआ है, वहां पर बाबा साहब के मिशन और काशीराम के सपनों को कुचला गया है। दलित समाज के लोग अपने नेटवर्क के बारे में टकटकी लगाकर देख रहे हैं। भारत की केंद्र सरकार ने दलितों के लिए बहुत सारे काम किए हैं। बाबा साहब के अधूरे सपने को पूरा करने के लिए देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने शपथ ली थी। पीएम मोदी ने बाबा साहब के 5 तीर्थस्थल बनाने का भी संकल्प लिया। बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर के लिए 5 तीर्थस्थल बनवाने का काम किया, जो आज भव्य स्थल बने हुए हैं, जिनको देखते ही गौरवान्वित महसूस करता है दलित समाज है। इसी तरीके से माननीय योगी जी ने भी काम किया है। पूरे देश के अंदर आज ये दलित समाज जो अनेकों नेक काम किए गए हैं, आज जो नेकों नेक काम किए गए हैं, अच्छे काम किए गए हैं, जात विहीन वर्ग विहीन समाज की संरचना के तहत जो बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर चाहते थे, जात विहीन वर्ग विहीन समाज की संरचना हो, उस पर भारतीय जनता पार्टी आज चल रही है। और इसी के साथ उत्तर प्रदेश की खबरों में फिलहाल इतना ही। देश दुनिया की बाकी की तमाम खबरों के लिए आप बने रहिए प्राइम टीवी के साथ। नमस्कार। आप देख रहे हैं प्राइम टीवी, सच साहस सरोकार।